आज हमारे यहाँ उत्तम संयम धर्म बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुबह 7 बजे अभिषेक हुआ और जो है शांति धारा हुई उसके उपरांत, और एक सामूहिक पूजन हेमंत शास्त्री सांगनेर द्वारा बड़े धूमधाम से सामूहिक पूजन मनाया गया। और हमारे मंदिर में शाम को 7 बजे माँ आरती होगी और शाम को 8:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना पूर्ण अर्जन करें। और आज दोपहर को 3 बजे हमारे मंदिर में पूजा होगी और 5:30 बजे जो है कलशाभिषेक होंगे। तो सभी लोग मंदिर में आएँ और पूजा अर्चना करें और कलश करें, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आज सुबह पूजा हो रही है, आज उत्तम संयम का दिन है। आज सुबह बहुत धूमधाम से पूजा हो रही है और शाम को 5 बजे अभिषेक होगा, भगवान जी के कलश होंगे और शाम को 7 बजे से महाआरती है। और रात को आज फैंसी ड्रेस शो हुआ बच्चों का, जो सभी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, सारे बच्चे उसमें नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर आज दूध दशमी का दिन है, सभी लोग बड़े तप त्याग संयम से भगवान की पूजा और अभिषेक अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, 26 तारीख से 5 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और 6 तारीख को यहाँ पहली कलश होती है श्री जी के ताजगंज में, सबसे पहले कलश होते हैं जहाँ भव्य पंडाल सजाया जाता है। और वहाँ पर शाम को श्री जी के कलश होते हैं और वहाँ शाम को एक शाम पारस के नाम की भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ विभिन्न शैली के लोग आते हैं, अपने अपने भजन प्रस्तुत करते हैं और सभी लोग भारी मात्रा में आकर और उसका लाभ उठाते हैं।